एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जेनरेटिव एआई वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट मींस कि हम इनपुट क्या दे रहे हैं। ठीक है, इनपुट जो इनपुट हम देंगे, इनपुट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या डिज़ाइन, मतलब कुछ भी फॉर्म में प्रॉम्प्ट हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एआई सिस्टम। एआई का सिस्टम है जो कि प्रोसेस करता है। प्रोसेस करता है प्रॉम्प्ट को, यानी इनपुट को प्रोसेस करता है और उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स जनरेट होता है। ठीक है, उसके बेसिस पे रिस्पॉन्स जनरेट होता है। और ये जो रिस्पॉन्स है वो कैसे जनरेट हो रहा है या कैसे क्रिएट हो रहा है जनरेटिव एआई के थ्रू, तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, मतलब होता क्या है, सबसे पहले हमेशा मशीन लर्निंग के अंदर, डीप लर्निंग के अंदर क्या होता है या एआई के अंदर, सबसे पहले हम मॉडल को ट्रेन कराते हैं कुछ एग्जांपल्स का यूज करके। फिर ट्रेन कराने के बाद उसको टेस्ट करते हैं कि क्या ये सही से ट्रेन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, मॉडल चूज किया और मॉडल हो सकते हैं हमारे GAN या VAE। ठीक है, ये हमारे हैं मॉडल्स, जनरेटिव मॉडल्स, GAN और VAE। GAN होता है जनरेटिव एडवर्शियल नेटवर्क्स, VAE का मतलब है वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स। इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अपने, जिसमें हिस्ट्री बताई थी उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि ये कैसे वर्क करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, ये जनरेटिव एआई के मॉडल्स हैं। और मॉडल चूज करने के बाद फिर क्या करा जाता है, जो ट्रेनिंग डेटा हमने लिया है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई एक ऐसा मॉडल बनाना है जो कि इमेज को अंडरस्टैंड कर सके, इमेज समझ सके। ठीक है, तो आपने क्या किया, सबसे पहले उसको 100 या 150 इमेजेस या बहुत ज़्यादा भी इमेजेस दे सकते हो। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि जैसे 100 या 150 इमेजेस आपने उसको प्रोवाइड करी, मॉडल को ट्रेन किया। ठीक है, उसे ट्रेन करने के बाद फिर उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होएगा जनरेशन, मतलब कंटेंट यहाँ जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये क्या है, टेस्टिंग पार्ट। ठीक है, और ऐसा चलता रहेगा हर बार, मतलब आइट्रेशंस होती रहेंगी और हर आइट्रेशन में इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, मतलब कहने का ये है, आपने इनपुट दिया, सिस्टम प्रोसेस करेगा, रिस्पांस जनरेट करेगा। रिस्पांस कैसे जनरेट होगा, पहले ट्रेनिंग होगी फिर जनरेशन होगी। ठीक है, तो ये तरीका है जनरेटिव एआई के वर्क करने का। ठीक है, थैंक यू।